क्या आप सीरियल में शुरू होने वाली हैं दो दो प्यार की कहानियाँ? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम्हे किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा किस तरह से अब एक नहीं बल्कि दो दो लव स्टोरी शुरू होने वाली है। एक तो ईशान और सभी की, जिसके लिए फैंस बेहद एक्साइटेड भी हैं, वहीं दूसरी तरफ शांतनु और ईशा की, और इस चीज का ट्विस्ट आज के सीरियल में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बताते हैं क्या क्या होगा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। वेल, सबसे पहले आज आप देखेंगे किस तरह से ईशा अब जाने की पैकिंग कर रही है, जहां पर शांतनु थोड़ा सा उदास है, तो वहीं पर आप देखेंगे दूसरी तरफ किस तरह से ईशान और सभी दोनों आमने सामने खड़े हैं, जहां पर ईशान सभी से कहता है, सभी सुनो तुम कहां जा रही हो? इस पर सभी कहती है मैं घर जा रही हूं। तब ईशान कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूं, मुझे बाबा से कुछ बातें करनी है, तो चलो मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा। इस पर सभी सोचती है कि अगर इस बार मैंने फिर से मना किया तो ये फिर से खड़ूस बन जाएंगे। तभी ईशान सोच रहा होता है कि ये 100% मना करेगी। वहीं इन दोनों की बातें दूर खड़ी होकर ध्रुवा सुन रही होती है और ध्रुवा चिढ़ रही होती है। आप देख सकते हैं फिर किस तरह से सभी हाँ बोल देती है और ईशान खुश हो जाता है। ईशान कहता है अरे सभी तुम सच में तैयार हो गई। साथ ही ईशान ये भी बताता है कि कॉलेज में रहने का खर्चा सब कुछ ईशान सभी को देने वाला है, जिसके लिए सभी मना कर देती है। वहीं पर आप देखेंगे ध्रुवा ये सारी बातों को सुन चुकी है। वहीं अगले ही मोमेंट सभी ईशान दोनों पहुंचने वाले हैं शांतनु ईशा के घर, जहां पर शांतनु और ईशा दोनों के दोनों खड़े होंगे, जहां वो लोग ऑलरेडी अपने प्यार को फील कर रहे हैं, क्योंकि जब गेट खोलने की बारी आती है तो दोनों पहुंच जाते हैं। दोनों के हाथ आपस में टकराते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से ईशान और सभी की तरह ये भी नजदीक आने वाले हैं। अब ईशान सभी दोनों एक साथ एंट्री मारते हैं, जिसे देखकर शांतनु ईशा दोनों खुश हो जाते हैं। हालांकि इन दोनों की प्यारी सी नोकझोंक गेट पर ही होने लगती है, जहां ईशान कहता है अरे जाओ तुम अंदर जाओ, तुम्हें ज्यादा जल्दी रहती है। तभी आप देखेंगे कैसे सब के सब खड़े होते हैं, तो वहां ईशान कहता है अरे इसको समझाइए ना, मैं तो इसे ये भी ऑफर कर रहा हूं कि सारा खर्चा मैं दूंगा, फिर भी ये रहने को तैयार नहीं है। शांतनु भी कहता है मैं भी ईशा को यही बोल रहा हूं, लेकिन ईशा भी नहीं मान रही है। तो ईशा कहती है अब भाई देख लो, अगर सभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं तो चली जाऊंगी सभी को लेकर। तभी शांतनु जो है और ईशान दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं। अब देखना तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ईशान सबके सामने सभी को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो रामटेक वापस जाकर ही रहेगी। दूसरी तरफ ध्रुवा जो है वो सुरेखा के कान भरने पहुंच गई है, जहां वो बता रही है कि किस तरह ईशान सभी की हेल्प करने में लगा है। अब आने वाले एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुरेखा क्या करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।